कहानी 46 पहलू सारा मसीहा पेंदे विश्वास करना। शाउला नाम रो एक मनुष्य थी जसुए यीशु पेंदे विश्वास नहीं करता थी। तेवरे सो जवान थी तेवरे तेवे स्थिर फुनसा बे मारने आले लोका रे जिकते री निगरानी करी थी। बाद में तेवे विश्वासी लोका तंग करी थी। तेवे यरूशलेमा रे घरे घरे नशी करे दुए डाकी करे जेले में पाई थी। तेवा महायाजके शाउला बे दमिश्क नगर में नाने री आज्ञा दिनी। महायाजके तेव बे बोलू दमिश्क शहर में ना होर तके मसीह लोका डाकी करे वापिस यरूशलेमा शहर बे आण। तेवकी शाउले दमिश्क नाने री यात्रा शुरू करी। तेव शहर का पूजने का थोड़े ही पहले तेव रे चौतरफे और सरगा का एक शेता प्रयाशा चमकू और सा धरती पेंदे पड़ू शाउल कुण बोलदा सुनू हे शाउल तू मां किबे सताउंदा लागो दसा। शाउले पुछू हे प्रभु तू कुण सा। यीशु उत्तर दिना हाँ यीशु सा तू मां सताउंदा लागो दसा। जब शाउल उठू तेब सो हेरी नाई सकता थी। तेवरे साथी सौदा मिश्का बे आणु थी। शाउले ची ध्याड़ी तनी किछे भी नाई खाओ थी। दमिश्का में हनन्या ना रो एक यीशु रो चेलो थी। परमेश्वरे तेव बे बोलू तेव गौरा बेना जके शाउल रुकू दसा अपने हाथा तेव पेंदे डा की सो बिया का हिरदो लागे। पर हनन्या बोलू हे प्रभु मैं सुनु दसा कि यू मनशे विश्वासी केड़े तंग करी देसा। परमेश्वरे तेव बे जवाब दिना नश मैं सो यहूदी में होर दूजी जाति रे लोका में मेरे ना री घोषणा करने री तेनी चुनू दसा। तेव मेरे ना री तेनी बहु कष्ट सहना। ते बहनन्या शाउला सेटा वे नठो और अपने हाथ तेव पेंदे डाई और बोलू यीशु जो अखे इने का तेरी बाता ता पेंदे प्रकट हो थी। हाँ ता सेटा वे बेजू दसा की तू बिया का हेरे और पवित्र आत्मा ता भोरे। एकदम शाउला री अच्छी वापिस आई और सो बिया का हिरदो लागो और हनन्या तेव वे बितिस्मा दिना। तेबे शाउले खाना खाऊ और बिया का शक्तिशाली हो। तेबरी का शाउले दमिश्का में रहने आले यहूदी में यीशु रा प्रचार करना शुरू करू। तेवे बोलू यीशु ही परमेश्वर रो शोरू सा। यहूदी लोका हैरान थी कि वे की शाउले विश्वासी लोका बे मारने री कोशिश करी थी। पर एबा तेवे यीशु में विश्वास करू थी। शाउले यहूदी संगे बात विवाद करू तेवे रिहाऊ की यीशु मसीहा थी। बहुत ध्याड़े बाद यहूदी लोके शाउला मारने री स्कीम बनाई। तेव मारने री तेनी नगरा रे बड़े द्वार सेटा लोका भेजी कि तेवरी नगरानी करे। पर शाउले तेसा स्कीमा रे बारे में सुनू और तेवरे संगी बच्ची करे निकले में तेवरी सहायता करी। एकसा राची ते सो टोकरी बिशाली करे नगरा री बीती का उंदे उतारी। दमिश्का का बच्ची करे निकले का बाद शाउले यीशु रे बारे में प्रचार करना जारी डाहू। शाउल प्रेरिता में मिलने री तेनी यरूशलेमा बे नठो। पर त्या तेव का डोरा थी। तेबा बरनबास ना रो एक विश्वासी शाउल प्रेरिता सेटा बे नियू। तेवे त्या बे खोजू की शाउले केड़े साबे हिम्मत करी की दमिश्क शहरा में प्रचार करू थी। तेता बाद चेले शाउल स्वीकार करू। एका विश्वासी जो यरूशलेमा रे तंग करने बाद ठूरी थी त्या दूर अंताकिया नगरा बे नठे थी और यीशु रे बारे में प्रचार करता थी। अंताकिया नगरा में रहने आले लोका बहु यहूदी नहीं थी। पर पहली बार इत्या में बहुत सारे लोका विश्वासी बनी थी। बरनबास और शाउल या नए विश्वासी लोका वे यीशु रे बारे में और बहु सिखाने री तेनी तके नाठे और कलिसिया पाकी करी। यीशु पेंदे विश्वास करने आले पहली बारी अंताकिया नगरा में ही मसीहा होई। एकसा ध्याड़ी अंताकिया नगरा रे मसीहा लोका व्रतु रोई करे प्रार्थना करदे लागे थी। पवित्र आत्मा त्या का बोलू मेरी तेनी बरनबास और शाउला बे तेव कामा करने री तेनी अलग करा जासु कामा करने री तेनी मैं याशदाई दे आसा। तेबा अंताकिया री कलिसिया बरनबास और शाउला री तेनी प्रार्थना करी और त्या पेंदे अपने हाथ डाई। तेवा तेव यीशु रे बारे में शुभ समाचार प्रचार करने री तेनी दूजी जगह भेजी। बरनबास और शाउले अलग अलग जाति रे लोका बे शिक्षा दिनी और बहुत सारे लोके यीशु में
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂੰ।